सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस, अभी रिसेंटली आप देख रहे हो कि मार्केट में कोई फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस लॉन्च नहीं हो रहे, बल्कि एक बजट सेगमेंट या लो बजट सेगमेंट या फिर मिडिल सेगमेंट के ज्यादातर डिवाइसेस देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो बड़े ब्रांड रियलमी हो, रेडमी हो, चाहे इन्फिनिक्स जैसे छोटे ब्रांड्स भी हो, तो वो मिडिल सेगमेंट या फिर लो बजट सेगमेंट के डिवाइस लॉन्च कर रहे हैं। रिसेंटली रियलमी ने भी रियलमी C11 को लॉन्च किया था 8,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर, बहुत सॉलिड स्पेसिफिकेशन देखने को मिले थे। तो अब बारी है रेडमी की। रेडमी भी नए डिवाइस को लेकर के आ रहा है, जो कि एक बजट सेगमेंट का डिवाइस होगा, वो भी बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ। इस डिवाइस का नाम है Redmi 9, जो कि Redmi 8 का सक्सेसर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इस डिवाइस के बारे में बात करेंगे कि कब तक इंडिया में आएगा, किस प्राइस पॉइंट पे आएगा, और साथ में स्पेसिफिकेशन जो है कंफर्म हो चुके हैं Mi.com पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले Redmi 9 के लॉन्च डेट को लेकर के बात करते हैं, तो ये डिवाइस 4 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा Amazon प्राइम पे, जो कि शायद से वहाँ पे फ्लैश सेल के लिए रिवील होगा, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो फ्लैश सेल के थ्रू। और बात करें Redmi 9 के स्पेसिफिकेशंस को लेकर के, तो बहुत ही तगड़े स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। पहली बार आपको एक बजट सेगमेंट में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं Redmi 9 के स्पेसिफिकेशंस को लेकर। शुरुआत करते हैं Redmi 9 के डिस्प्ले से, जो कि है 6.53 इंचेस का विथ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। साथ में ये डिस्प्ले एक वाटर ड्रॉप नॉट डिजाइन को भी कैरी करता है। और मेरी बात मानिए, Redmi के बजट सेगमेंट में आपको पहली बार एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, यानी कि यहां पर Redmi बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले आपको ऑफर कर रही है। बात करें Redmi 9 के कैमरा सेटअप्स की, तो Redmi 9 के बैक पैनल में आपको देखने को मिलेगा क्वाड कैमरा का सेटअप, यानी कि डिवाइस 4 कैमरों के साथ आ रहा है। मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर, साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का एक माइक्रो सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और Redmi 9 सीरीज में आपको पहली बार क्वाड कैमरा का सेटअप मिल रहा है। इससे पहले Redmi 6, Redmi 7, Redmi 8, Redmi 8 डुअल जैसे डिवाइसेस में आपको सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिला था, और Redmi 9 के कैमरा सेटअप से में आपको बहुत ही बड़ा अपग्रेड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कैमरा सेटअप Redmi आपको प्रोवाइड कर रही है। बात करें Redmi 9 के फ्रंट फेसिंग कैमरा की, जो कि है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, साथ में डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, जो कि बहुत ही बेहतर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात करें Redmi 9 के परफॉर्मेंस को लेकर के, तो Redmi 9 में परफॉर्मेंस के लिए यूज किया गया है MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर, और इस प्रोसेसर के साथ ये पहला बजट डिवाइस है Redmi की तरफ से। और ये प्रोसेसर एक गेमिंग प्रोसेसर है, जो कि पबजी जैसे गेम्स बहुत ही स्मूथली रन करा सकता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी Redmi 9 बहुत ही बड़ी अपग्रेड्स के साथ आने वाला है। इसके अलावा बात करें Redmi 9 के रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट के बारे में, तो ये डिवाइस 2 वेरिएंट में आएगा। पहला बेस वेरिएंट होगा 3GB रैम विथ 32GB इंटरनल मेमोरी, एंड दूसरा स्टैंडर्ड वेरिएंट होगा 4GB रैम विथ 64GB इंटरनल मेमोरी। साथ में ये डिवाइस 256GB तक माइक्रो HD कार्ड को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा बात करें Redmi 9 के बैटरी कैपेसिटी को लेकर के, तो ये डिवाइस 5020mAh की बैटरी के साथ आएगा। साथ में 10W का फास्ट चार्जिंग भी आपको बॉक्स में ही देखने को मिलेगा, हालांकि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग थोड़ा सा कम है। अभी ज़्यादातर बजट डिवाइस में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, तो मिनिमम Redmi को अपने बजट में 18W का फास्ट चार्जिंग देना चाहिए था। फाइनली बात करते हैं डिवाइस के प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट को, तो ये इंडिया में लॉन्च होगा 4 अगस्त को Amazon प्राइम पे। आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो, या फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन है Mi.com पर भी आप इस डिवाइस को बाय कर सकते हो। इसके अलावा बात करें इस डिवाइस के प्राइसिंग के बारे में, तो अभी तक इंडियन प्राइस रिवील नहीं हुआ है, बट बात करें इस डिवाइस के ग्लोबल वेरिएंट की प्राइसिंग की, तो इसके ग्लोबल वेरिएंट की 3GB जो कि बेस वेरिएंट है, उसकी प्राइसिंग थी 149 यूरो, जो कि रफली आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो होती है लगभग 12,800 रुपये के आसपास। और Redmi 9 का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी, उसकी ग्लोबल वेरिएंट की प्राइस है 179 यूरो, जिसे आप अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो रफली बनता है 15,800 रुपये के आसपास। लेकिन Redmi के जो डिवाइसेस है वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और इंडिया में बहुत ही सस्ते होते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस है कि Redmi 9 का जो बेस वेरिएंट होगा 3GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी, इसकी प्राइसिंग लगभग 9,500 से 10,000 रुपये के आसपास रहेगी। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी, इसकी प्राइस लगभग 11,000 से 12,000 रुपये तक रहनी चाहिए। आपकी कुछ भी प्राइसिंग को लेकर के एक्सपेक्टेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।